हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना, यहाँ इलाहाबाद में मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है फ्रेंड्स। आप देख ही सकते हैं मेरे सारे प्लांट्स जो हैं बारिश के पानी से भीगे भी हैं, और ये सब बहुत खुश हैं कि आज जो है इन्हें जो है धूप में जलना नहीं पड़ रहा है, वरना तो रोज़ इस टाइम पर बहुत तेज़ धूप होती है जिससे प्लांट्स मेरे जो है काफ़ी ज़्यादा मुरझा जाते हैं फ्रेंड्स। आज अच्छी हवा चल रही है, बहुत खुश हैं ये सब फ्रेंड्स। ये प्लांट जो है ये ड्रेसिना की वैरायटी है, और आप तो समझ ही गए होंगे जो बीच में रखे हुए हैं इसके बगल में दोनों साइड में जो है वो दोनों कोलर्स हैं, और वो साइड में, और ये जो है क्रोटन की वैरायटी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं हर बार जब वीडियो शेयर करती हूँ तो उसमें प्लांट्स के बारे में बात करती हूँ, मैं कभी आपसे अपने बारे में बात ही नहीं किया है मैंने आप लोगों से, तो क्यों ना आज मैं अपने बारे में आप लोगों से बात करूँ फ्रेंड्स। बस फ्रेंड्स, ये देखिए, आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा ना ये प्लांट्स देखकर कि ये कितने साफ़ लग रहे हैं, इनके पत्तियों पर ज़रा सा भी धूल नहीं रहती है बारिश की वजह से, वरना तो जितना भी पोंछ लीजिए धूल जमी जाती है इनके ऊपर। कितने फ्रेश लग रहे हैं बारिश के बाद ये, फ़िलहाल बारिश तो अभी भी हो रही है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम तो आप सभी को पता है, मेरा नाम रेनू है और मैं इलाहाबाद से हूँ। आज कुछ बातें अपने बारे में भी कर लेते हैं फ्रेंड्स, हर वीडियो में प्लांट्स के बारे में ही बात करती हैं। तो मैं इलाहाबाद से हूँ, मेरा नाम रेनू है और मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। गार्डनिंग मेरी हॉबी है फ्रेंड्स, मेरा शौक है ये गार्डनिंग। और मेरा ये जो शौक़ है वो धीरे धीरे मेरा पैशन बनता जा रहा है, मेरा जुनून बनता जा रहा है फ्रेंड्स। मुझे दिन भर अपने प्लांट्स के साथ रहना पसंद है, इनके साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। कभी कभी तो मुझे लगता है जो देखेगा मुझे वो यही सोचता होगा कि अरे ये तो पागल है, प्लांट्स से बात करती है फ्रेंड्स, क्योंकि अब हर कोई प्लांट्स लवर तो होता नहीं ना फ्रेंड्स। इसलिए मेरे नेबर्स ना मुझे पागल ना समझे, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं मोबाइल लेकर वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ उसे। तो इससे जो प्लांट्स से मैं अपने बातें करूँगी या उनसे जुड़ी जो बातें हैं वो आप लोग भी सुनते हैं, और शायद आप लोगों को भी कुछ अच्छा लगता हो मेरे प्लांट्स देखकर, या मेरी कुछ बातें आप लोगों को मेरे प्लांट्स के बारे में अच्छी लगती हो तो उसे भी आप अपने गार्डनिंग टिप्स में ले लेते हो फ्रेंड्स। इसे देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अभी कुछ दिन पहले ही लेकर आई हूँ, ये भी कोलियस की ही वैरायटी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं मेरे बारे में बात कर रही थी, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और ये शौक़ जो है मुझे मेरी मॉम से लगा है। मेरी मॉम को भी गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, उनके पास भी बहुत ढेर सारे प्लांट्स हैं। यहाँ इतना अच्छा मौसम है आज फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत अच्छी बारिश हो रही है फ्रेंड्स, और मेरे प्लांट्स बहुत खुश भी हैं, ठंडी ठंडी हवाएं इन्हें मिल रही हैं। आज तो ना मैंने सोचा था कि अपने प्लांट्स को मैं शेड दे दूंगी, क्योंकि धूप की वजह से वो देख सकते हैं आप प्लांट्स की पत्तियां मेरी जल रही हैं। मगर आज सुबह मैं जैसे ही उठी मैंने देखा अरे इतना प्यारा मौसम है, बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया कि नहीं मैं आज तो शेड नहीं दूंगी, अब मैं कुछ दिनों के बाद अपने प्लांट्स को ग्रीन नेट के शेड में रख दूंगी फ्रेंड्स। देखिए आज धूप नहीं निकली तो मेरे ये 9 o'clock के प्लांट्स जो हैं पॉट लाकर के प्लांट्स जो हैं बिल्कुल नहीं खिले आज, वरना कितने ढेर सारे खिलने वाले से ये तो आप देख ही सकते हैं।
फ्रेंड्स, मुझे ना वीडियो बनाना और अपने प्लांट्स के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो अब जो है अपने फ्रेंड्स से भी प्लांट्स के बारे में ही मैक्सिमम बातें करने लगी हूँ। तो मेरी फ्रेंड्स भी मुझसे कहते हैं, अरे तुम प्लांट्स के चक्कर में पागल भी जा रही हो, इतने हर वक्त प्लांट्स प्लांट्स करती रहती हो फ्रेंड्स। इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी प्लांट्स लवर हैं। वैसे हर कोई प्लांट्स लवर नहीं होता, पर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो उसका मतलब आप प्लांट्स लवर हैं फ्रेंड्स। तभी तो आप प्लांट्स से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं और उसे देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मेरी क्रिसैंथेमम्स के प्लांट हैं, गुलदौदी के प्लांट, जिनको मैंने कटिंग कर दी थी। इनमें कलियाँ आ गई हैं फिर से, यहाँ पर देख लीजिए। ये देखिए, इधर भी ये खिलने वाले थे फ्रेंड्स, मगर खिल नहीं पाए हैं धूप नहीं होने की वजह से। वैसे फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ मेरे फेवरेट प्लांट की, तो ना मुझे कोलियस का प्लांट बहुत पसंद है। मुझे कोलियस बहुत ज़्यादा ही पसंद है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने कोलियस को इतना ढेर सारा लगा रखा है। वैसे तो मुझे सारे प्लांट्स से बहुत प्यार है अपने, पर कोलियस की जो है वो मुझे बात ही अलग रखती है। देख लीजिए कितना प्यारा है ये। वैसे तो मुझे रोज़ प्लांट भी बहुत पसंद है, जब ये खिलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। और देसी जो रोज़ होता है उसकी महक तो बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत प्यारी लगती है मुझे। तो फ्रेंड्स, अब जो है ना बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी प्लांट्स अच्छे लगे हों, तो मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए फ्रेंड्स। बाय बाय, हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ मेरी बातों के साथ और कुछ आपकी बातों के साथ। और आप जो बताना चाहें वो भी मुझे मेरे कमेंट में या फिर मुझे पर्सनली इनबॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। बाय बाय, बट मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, और आपकी तरफ का वेदर कैसा है फ्रेंड्स। बाय।